Hey people, welcome to our channel. This is our very first vlog related to Noida audit and it's very very special for us because हमारी journey यहीं से start हो रही है. So हमारी starting में हम 6:30 बजे आगरा से express way से निकल गए नोएडा के लिए and botanical पहुँच गए. Botanical से हमारा जो office था वो actually काफ़ी ज़्यादा दूर था, like 45 to 50 minutes हमें वहाँ से लगते हैं अपने office जाने में greater Noida में. तो फिर वहाँ से हमें एक और friend ने join करा, दिल्ली का था, एंड वहाँ से फिर हम लोग अपनी कैब पकड़ के ऑफिस पहुँच गए. ऑफिस में क्लाइंट प्लेस पे पहले दिन तो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाए, उसका एनवायरनमेंट समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया. एंड हमने अपना लंच में ये जैसे कि आप देख ही सकते हैं फ्रूट्स वगैरह खाए बिकॉज वहाँ पे कुछ भी अच्छा खाने को हमें नहीं मिल रहा था. एंड हम लोग फिर 8:30 बजे ऑफिस से निकल कर हमने 10 बजे होटल में चेक इन करा एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो हमने अपने होटल के रूफटॉप में डिनर करके एंड थोड़े बहुत बातचीत करके हम सो गए. अगले दिन की शुरुआत हमारी हुई गरम गरम आलू के पराठे और पूरी सब्जी के साथ. एंड ये हमारा रूफटॉप का व्यू है जो कि हम आपको रात को नहीं दिखा पाए थे. यहाँ से फिर हम अपनी कैब करके क्लाइंट प्लेस पहुँचे. क्लाइंट प्लेस का नाम यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज़ वो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना होता है. और हमने अपना जल्दी जल्दी काम वाइंड अप करा और फिर हम पहुँच गए ग्रैंड वेनिस मॉल. यहाँ पर हमने द फेमस गोंडोला राइड करी विच कॉस्ट 300 रुपीज़ पर पर्सन जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं. अब जो लिफ्ट नहीं मिल रही है तो सीढ़ियों से जा रहे हैं. सो मॉल घूमते घूमते हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और अब हमें लग रही थी भूख, लेकिन हम अपने दो और फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे जो कि हमें ज्वाइन करने वाले थे मानेसर से. गाइस मानेसर नोएडा से 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है एंड उनको वहाँ पे ऑडिट के लिए भेजा गया था तो उनको हमने वहाँ से बुला लिया था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया. म्यूजिक फेस्टिवल कर ले तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज़ आप ये आवाज़ झेल नहीं पाएंगे. सो पूरा मॉल बंद होने के बाद, फूड कोर्ट बंद होने के बाद हमारे दोस्त वेनिस मॉल पहुँच ही गए थे और हमने उनके संग एक मेमोरी के लिए अंदर तो नहीं एक बाहर को पिक खींच ही ली. एंड उनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी कि उन्हें ऑटो में धक्का खुद ही लगाना पड़ा. एंड ये सब होने के बाद किसी का भी मूड नहीं था कुछ भी खाने जाने का तो हमने फिर से अपने होटल के रूफटॉप में ही डिनर करा. कैसा लगा आज का दिन? एक बढ़िया बढ़िया आइडिया दिए दोनों ने. पूछो बात यार, आइडिया सच में अच्छा था, सुनने में थ्योरेटिकली अच्छा था ना, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. थ्योरेटिकली कितना अच्छा लग रहा था. सो ये बहस तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है कि गलती किसकी थी आखिर, बट हमने नो डाउट इन्जॉय बहुत ज़्यादा. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट. सी यू देयर. बाय.